तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितना भी रिड्यूसिंग एसएनएटी पावर्स का जो अमाउंट बना या नंबर बना वो आप अल्टीमेटली कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर, एटीपी के अंदर। देखिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की बात जो मैंने आपके साथ पहले भी थ्रू आउट दिस प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी कि जो मॉलिक्यूल्स एटीपीज के प्रोसेस के दौरान बन गए उन्हें तो एज इट इज यूटिलाइज किया जा सकता है, बट जो रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारे पास देयर आर टू NADH plus H positive जिनकी formation हुई, उसी तरह से link reaction में भी दो NADH plus H positive की formation हुई और TCA के दौरान overall 6 NADH plus H positive की formation हुई। इसी तरह से जो दूसरी तरह की reducing acidity power है जो FADH2 है उसका भी synthesis TCA के दौरान हुआ जिसका number यहाँ पे 2 है। तो जितने भी ये reducing acidity powers हैं ultimately हमें पता है कि जो enormous amount of ATPs की formation होगी वो कहीं ना कहीं इन्हीं रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर्स को फर्दर यूटिलाइज करके होगी। अब यहाँ पे हल्का सा कंसेप्ट है जो मैं खासतौर पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को आपस में लिंक करने के लिए जरूर समझाता हूँ। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने देखा होगा कि जब फोटोफॉस्फोरिलेशन जैसा प्रोसेस चला, मान लीजिए कि जहां पर हमें एटीपी की सिंथेसिस करनी पड़ी बाय यूटिलाइजिंग द सनलाइट और उस एटीपी को हमने यूज किया डार्क रिएक्शंस में जिसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो वहां पे जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई उसे कहा गया फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप का एडीपी के साथ जुड़ना और एटीपी बनाना। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अधिक टर्म यूज की जाती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी के साथ जुड़ता है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में हमने एटीपी की सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में की और कैसे की, बाय मेकिंग प्रोटोन ग्रेडियंट और उस प्रोटोन ग्रेडियंट को जब हमने तोड़ा थ्रू स्पेशल एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसको आप CF0 CFN पार्टिकल्स कहते हैं, उसमें से जैसे ही प्रोटोन गुजरा उस प्रोटोन ने गुजरते ही क्या बनवा दिया, एटीपी बनवा दिया। सेम प्रोसेस यहां पर है, यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एटीपी बनाएंगे कैसे, बाय मेकिंग द प्रोटोन ग्रेडिएंट, और उसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या करते हैं कि आफ्टर टीसीए हम एक टर्म यूज करते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन की। हमने पूरे प्रोसेस में कहीं पे नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन का यूज कहाँ हो रहा है, तो अब ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करेगा और मैं एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करूंगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन एक्चुअली किसकी है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ हूम, रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स की ऑक्सीडेशन है और ये रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स ही अल्टीमेटली आपको एनर्मस अमाउंट ऑफ एटीपीज जनरेट करके दिलवाने वाली है ऑफ रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है उसका एक तरीका है और इस टर्मिनल ऑक्सीडेशन को हमने दो स्टेप्स में बांट दिया, एक को कहा क्या बोला, एक को कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कह दीजिए, या सिस्टम कह दीजिए, ये आपकी मर्जी, क्योंकि ये दो स्टेप्स में बटा हुआ है। और दूसरा जो स्टेप होगा, जो अल्टीमेट स्टेप होगा, उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट का एडीपी के साथ जुड़कर एटीपी को बनाना। अब ये जो लोकेशन है, देखिए क्रेब्स साइकिल या टीसीए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चल रहा था जहां से आपके पास बहुत सारी रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स का प्रोडक्शन हुआ, क्या ये भी वहीं पे होता है, फॉर श्योर। ये दोनों ही स्टेप्स जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन के हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, बस फर्क इतना ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका मकसद क्या है। पहली बात तो देखिए इसमें कुछ फीचर्स है जो आपको समझनी पड़ेगी, इसकी जो लोकेशन है, लेट मी यूज दी अनदर कलर, इसकी लोकेशन कहाँ है, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन
सेलोगिनली है। और इसका मकसद क्या है, मोटो क्या है, मोटिव क्या है, टू प्रोड्यूस प्रोटोन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Across inner membrane of mitochondria, ठीक है। अगर हल्का सा मैं यहां पर आइडिया दूं आपको, मान लेते हैं कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको आप क्रिस्टा कहते हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है, इसको थोड़ा हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका अल्टीमेटम या अल्टीमेट मोटो है कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को स्पेस में, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसमें उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी उसके कंपेरिजन में, कम हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के देयर इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, तो वो है आपका सेकंड स्टेप जिसे आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब मैं अल्टीमेटली यहां पे हल्का सा एक और आइडिया आपको दूं कि मान लेते हैं कि ये आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है और दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनके बीच का इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कह देते हैं, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह सकते हैं आप इसे। कुछ ऐसे। अब होता क्या है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देयर इज अ स्पेशल एलिमेंट्री पार्टिकल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस तरफ आपके पास, लेट मी मेंशन दिस, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और इस तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, मैट्रिक्स। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने प्रोटॉन के ग्रेडियंट को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप कर दिया। अब डेवलप करने के बाद क्या होगा कि जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, और मैट्रिक्स के अंदर उसके मुकाबले में वो कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। अब यहां पे क्या होगा, अल्टीमेटली देखिए ये जो ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहिए। इसलिए प्रोटॉन या एच पॉजिटिव आयंस जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे, और यही हम चाहते थे। जब ये चलेंगे तो कुछ स्पेशल एलिमेंट्री पार्टिकल्स का यहां पर यूज होगा जिसको आप कहते हैं एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स। देखिए इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, इनको आप एक और नाम से पुकारते हैं, बड़ा फेमस नाम है, ऑक्सीजोन्स। अब क्या होगा कि जैसे ही प्रोटॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, क्योंकि अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन क्या एस्टेब्लिश हो गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो क्या होगा, जो इसका एफ नॉट वाला पार्ट होता है, हम इस एलिमेंट्री पार्टिकल को जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें कहेंगे कि ये एटीपी सिंथेसिस का काम करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा,
इस प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से जो F1 वाला पार्ट है, कंपोनेंट है इस ऑक्सीजोन का, वो एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ेगा और सिंथेसाइज करेगा क्या, एटीपी। ऐसा माना जाता है, देखो मैंने आपको एक प्रीव्यू बताया है कि किस तरह से हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे फ्यूचर में। हल्का सा एक आइडिया आपको लग गया कि हमारे पास दो स्टेप्स हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन के, जो कि आफ्टर टीसीएम ने यूज किया रिड्यूसिंग एसिनेटरी पावर, सो किसमें कन्वर्ट करने के लिए, एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये समझेंगे एक एक करके कि पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या कहानी है, और उसके बाद फिर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके साथ डिस्कस करके यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हर दो प्रोटोन जब अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो कितने एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, एक एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। अब ये देखते हैं कि रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर्स प्रोटोन ग्रेडियंट को बनाने में किस तरह से हेल्प करती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए अब जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पहले हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शॉर्ट में लिख रहा हूं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या आप ऐसा भी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, ये कई सारे नाम है इसके। इसके कुछ पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें समझनी होगी। देखिए मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी से जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है उसे मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि वहां पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हल्के से आपको पहले डायग्राम दिखा दूं। ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात हुई है, ठीक है। इसके इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पे आपके ये जिस तरह से रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई है, और इस तरफ आपके माइटोकॉन्ड्रिया का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, या कहें इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है क्या, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात की है, कुछ चीजें आप देख रहे हैं जैसे कि FMN आप देख रहे हैं, आयरन सल्फाइड आप देख रहे हैं, UQ, UQ स्टैंड्स फॉर यूबिक्विनॉन, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे साइटोक्रोम FES ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मोबाइल कैरियर्स हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसलिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ जनरल फीचर्स के बारे में समझना होगा, उसके बाद आपको फिर इसको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मोबाइल कैरियर्स या ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स कह दें तो ज्यादा बेटर है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये सीरीज है किसकी, को एंजाइम्स की एंड साइटोक्रोम्स की, जो किस में हिस्सा लेती है, विच टेक्स पार्ट इन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम केमिकल्स टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर। ये लाइन बहुत प्यारी लाइन है, केमिकल्स यहां पर मेंशन किया गया है रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर्स को, कहा ये कौन है केमिकल्स, NADH+H+ एंड आपका FADH2, और अल्टीमेट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन होता है, वो
पूरे रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कहीं पे यूज नहीं दिखाया मैंने, ना ही कहीं पे ऑक्सीजन यूज हुई है। अब ऑक्सीजन यूज होगी एज अ अल्टीमेट एक्सेप्टर, कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले भी कई बार मैंने बीच में मेंशन किया है कि ऑक्सीजन पूरी रेस्पिरेशन में कहीं नहीं बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ जुड़कर आपको मेटाबॉलिक वाटर बना के देती है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को कोई रिमूव करने वाला नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव नहीं हुए तो आपका जो रिएक्शन रेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और इसके साथ साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ेगी। इसमें इन शॉर्ट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव टू मच ऑफ एटीपीज विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल कहानी एज फार एज एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंसर्न्ड। तो ऑक्सीजन एक अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये लाइन में तो मैंने वहां से जस्टिफाई किया आपके सामने। दूसरा जो सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेंगे, ये बड़ी खास स्टेटमेंट है, ध्यान सुनिएगा कि एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपके पास फ्लैविन्स हो गए, जिसको हमने इन शॉर्ट FMN से रिप्रेजेंट किया है। आपके पास आयरन सल्फाइड हो गया या आयरन सल्फर हो गया, आपके पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, आपके पास क्यूनॉन्स हो गए, क्यूनॉन्स या यूबिक्यूनॉन्स जिनको हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यू क्यू से, और कुछ साइटोक्रोम्स हो, और फिर से यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया जाएगा तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है, बट मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि मैक्सिमम ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ये प्रोस्टेटिक ग्रुप्स होते हैं एंजाइम्स के या प्रोटीन्स के, सॉरी, ठीक है। This for your knowledge. These are all prosthetic group. Of proteins, you can mention over here. ठीक है, what else? हमें और क्या चीजें यहां पर समझनी है या पहले से तैयार रखनी है? पहला, इसमें जो यूबिक्विनॉन्स है, अलग यूबिक्विनॉन्स अलग सा कलर हो गया, कोई बात नहीं। उसकी सबसे खास बात क्या है कि दे आर हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सबसे ज्यादा मोबिलिटी शो करने वाले, हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। व्हाट एल्स? अल्टीमेटली क्या है कि ये जो सारा प्रोसेस है उसको अगर हम सम आउट करें तो एक्चुअली में प्रोटॉन ग्रेडिएंट को बनाने के लिए जिस तरह से एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है उसको आप एक टर्म से या स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए? प्रोटॉन ग्रेडिएंट को सिंथेसाइज करने के लिए कह दीजिए, या बनाने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन के लिए कह दीजिए। Like this. तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने से पहले पता होना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट्स मेंशन होंगे वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप उस एनसीईआरटी की लाइंस में क्या लिखा है वो
डायग्राम के साथ समझ आए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली में कहता क्या है। तो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। अब इस स्लाइड में मैंने जैसे कि कहा कि मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट बना के आपको बताया हुआ, ठीक है, एंड आई होप कि आपकी विजिबिलिटी भी ठीक होगी। अब देखिए, नॉर्मली देयर आर फाइव कॉम्प्लेक्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होते हैं, और मैंने वो सारे फाइव के फाइव जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे मेंशन किए हैं, एक एक करके सबको उठाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देख सकते हैं, और अलग अलग कलर यूज किया है ताकि आप कॉम्प्लेक्सेस में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है आपका दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, येलो कलर से मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है आपका दिस ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स है दिस व्हाइट कलर कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है दिस रेड कलर कॉम्प्लेक्स, और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स है जिसको आप अलग से देख सकते हैं। अब शुरुआत कैसे होती है, देखिए, रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं टू एस्टेब्लिश प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस बात का ध्यान रखिए। अब सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो NADH plus H पॉजिटिव है उसको कॉम्प्लेक्स वन या NADH डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ऑक्सीडाइज किया गया। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, और किसको सौंप दिया गया, फ्लेमिंग को या एफएमएन को, और उसके बाद उसने किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन FeS को, आयरन सल्फर को, और वहां से उस इलेक्ट्रॉन को आपने किसके पास भेज दिया, यूबिकिनॉन को, जिसको आप UQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोटॉन था उसको आपने मैट्रिक्स से उठाकर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरा मकसद है कि यहां मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को मैट्रिक्स के मुकाबले, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को मैट्रिक्स के मुकाबले ज्यादा करना, ताकि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश किया जाए और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़कर वापस से एटीपी की फॉर्मेशन की जाए। यही अल्टीमेटली मकसद हमारा। तो यहां से तो आपका चला गया, देखिए, NADH plus H पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव बन गया, और यहां से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया गया, वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यूबिकिनॉन के पास आ गया। अब जैसे यूबिकिनॉन के पास वो इलेक्ट्रॉन आ गया, यूबिकिनॉन ने किसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन के साथ, और अब ये आपका यूबिकिनॉन क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड यूबिकिनॉन हो गया। तो मैं कुछ लाइनें यहाँ पे, लाइंस जो है एनसीईआरटी मेंशन है, उनको साथ साथ में लिखता हूं ताकि आपको बातें समझ आती है। पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी का है वो क्या कहता है, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, जो NADH plus H पॉजिटिव है दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू यूबिकिनॉन। सिंपल, यूबिकिनॉन को हम यूक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप साथ साथ में डायग्राम में देख भी सकते हैं कि डायग्राम में अल्टीमेटली तो कहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, यूबिकिनॉन के पास आ रहा है, प्रोटॉन आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चला गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेम ये जो यूबिकिनॉन आप यहां पर देख रहे हैं, ये वाला यूबिकिनॉन आप जो देख रहे हैं, ऐसा यूबिकिनॉन यहां पे भी है, और ये जो यूबिकिनॉन है ये इलेक्ट्रॉन किससे रिसीव कर रहा है, FADH2 से। और देखिए यहां पे जो FADH2 है, अगर आप कभी ध्यान रखें, अगर आप पुराना लेक्चर देखें जहां पर TCA की बात हुई है, तो TCA के अंदर एक स्टेप है जहां पे FADH2 बनता है, वो स्टेप क्या होता है, जहां पर सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, और ये एक ऑक्सीडेटिव स्टेप है जिसके दौरान ये रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर FADH2 बनती है। अब ये FADH2 भी सेम इसी तरह से बिहेव करेगा जैसे NADH plus H2 कर रहा है, NADH plus H कर रहा है। तो FADH2 से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया, यूबिकिनॉन ने रिसीव किया, सेम एज आई हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ NADH। और इस दौरान इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है इसे क्या कहा गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की खास बात है, वो क्या खास बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक ऐसा एंजाइम है जो TCA के दौरान भी यूज होता है, या क्रेब्स साइकिल जिसे आप कहते हैं उसके दौरान भी यूज होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान भी यूज होता है। TCA के जितने भी एंजाइम्स हैं
वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसलिए इस एंजाइम को मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो डुअल पर्पस सॉल्व कर रहा है, और लोकेशन कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस बात का भी ध्यान रखें साथ में कि अगर हम जैसे कॉम्प्लेक्स वन में बात कर रहे हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स टू NADH प्लस सॉरी FADH2 से इलेक्ट्रॉन उठाएगा और अल्टीमेटली यूबिकिनॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और यूबिकिनॉन अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को कहां देगा वो अभी बात की बात है। वैसे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों से कहां जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थ्री के पास जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स थ्री की बात अभी बाद में करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में क्या कह सकता हूँ, NCERT में मेंशन है कि जो यूबिकिनॉन है इट ऑल्सो रिसीव वट Reducing equivalence, तो reducing equivalence का मतलब यही हुआ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, from FADH as well, FADH2। थर्ड पॉइंट क्या है जो हम यहां पे NCERT मेंशन कर सकते हैं NCERT के थ्रू, कि ये जो रिड्यूस्ड यूबिकिनॉन है, सिंपली UQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इट गेट्स ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन अपने से किसी दूसरे को देगा विद इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर और इसने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, टू साइटोक्रोम सी। अब आप देख सकते हैं कि जो साइटोक्रोम सी है वो अल्टीमेटली कहां पर है, वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर साइड पे है, जो कि आप इस डायग्राम से आराम से जज कर सकते हैं कि मैं साइटोक्रोम सी की बात कहां कर रहा हूं। और देखिए ये जो साइटोक्रोम सी होता है क्योंकि ये एक आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन के पास है तो ये एक मोबाइल कैरियर की तरह बिहेव करता है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इससे, मान लीजिए ये या जो ये जो स्टेप है जिसके थ्रू या जिसके दौरान FADH2 बना तब आ रहा है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स थ्री से होते हुए कहां पे जा रहा है, साइटोक्रोम सी के थ्रू, ये साइटोक्रोम सी के पास जा रहा है। और साइटोक्रोम सी जो है उसकी लोकेशन कहां है, उस बात का ध्यान रखिएगा, इट इज लोकेटेड ऑन आउटर सरफेस of inner mitochondrial membrane, और सबसे खास बात ये मूव कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ा और फिर इलेक्ट्रॉन लेके इधर मूव हो गया और इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर को दे दिया। इसलिए एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है कि ये जो साइटोक्रोम सी है ये एक स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है, इट्स अ स्मॉल प्रोटीन, इस बात का ध्यान रखिएगा, इट्स अ स्मॉल प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़कर खुद मूव कर रहा है और कॉम्प्लेक्स थ्री को और कॉम्प्लेक्स फोर को आपस में लिंक कर रहा है, और ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो नेक्स्ट लाइन हम क्या कर सकते हैं कि देखिए कि जो साइटोक्रोम सी है उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया थ्रू हूम, किस किस के थ्रू, लेट्स हैव अ लुक। पहले इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम बी के पास, फिर आया साइटोक्रोम सी वन के पास, और फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम सी के पास। बीच में आपके पास आयरन सल्फर का भी यूज हुआ है, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं थ्रू साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी वन, क्योंकि साइटोक्रोम की बात हो रही है, आयरन सल्फर ऑब्वियसली बात है, हम ऑलरेडी उसको कंसिडर कर चुके हैं। इसीलिए आप यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं, इन सिंपल वर्ड साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री। तो अभी आपने तीन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर ली है, एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया जो NADH प्लस एच पॉजिटिव के साथ लिंक है, एक कॉम्प्लेक्स आपका ये हो गया जिसको आपने सक्सेसिवली डीहाइड्रोजिनेज का नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स वन को आपने NADH डीहाइड्रोजिनेज का एंजाइम दे दिया, और अल्टीमेटली जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो आपका ये है जिसको आपने नाम दे दिया क्या, साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स, और इसने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन किससे,
दोनों से, कॉम्प्लेक्स वन से भी और कॉम्प्लेक्स टू से भी, बहुत ध्यान रखना, ध्यान से, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट एनसीईआरटी में है वो क्या कहता है कि जो साइटोक्रोम सी है, जो कि मैंने बोला कि इट्स अ स्मॉल प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है और कहां पर लोकेटेड है, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ साइटोक्रोम सी जो है इट इज बेसिकली लिंकिंग व्हाट, इट्स अ मोबाइल कैरियर, क्या कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर, इस तरह से सिंपली आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फोर है वो आप अगर डायग्राम से देखें, उसे हमने क्या कहा गया, क्या कहा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास था उसे ट्रांसफर किया गया, क्योंकि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में दो कॉपर सेंटर होते हैं, कैन यू सी, सी यू ए एंड सी यू बी, और दो आपके पास यहाँ पे साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो टर्मिनल एक्सेप्टर के पास पहुंच जाता है। और ये टर्मिनल एक्सेप्टर मैं अभी ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, बार बार बोलने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, टर्मिनल एक्सेप्टर आपका यहाँ पे कौन है, हु इज बिहेविंग लाइक अ टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली जो हम ब्रीथ इन करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो लास्ट एक्सेप्टर है, अल्टीमेट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, उसको तरह बिहेव करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को इस पूरे प्रोसेस से रिमूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन को, और जिसकी वजह से जो जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड रहती है और आपका ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब ये सोचो कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन को कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगा जो कि हमारी बाकी चीजों को डैमेज कर सकता है। तो इट्स दिस प्रोसेस इज वेरी सेंसिटिव अगर ऑक्सीजन ना हो, इसलिए तो सफोकेशन से हम कहते हैं कि जो फैटल हो सकती है, जो जानलेवा हो सकती है सफोकेशन, अगर ऑक्सीजन इंसान को ना मिले तो इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, या अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन से भी तो एटीपी बन रहे हैं, बट बच्चा वहां पे बहुत अमाउंट ऑफ एटीपी बहुत ज्यादा कम है और यहाँ पे उसके मुकाबले अमाउंट ऑफ एटीपी बहुत ज्यादा है, जो कि हम लास्ट में कंपेयर करेंगे कि इससे कितना बना और उससे हमारे पास कितना रिसीव हो रहा था। तो अल्टीमेटली क्या है कि ऑक्सीजन इज बिहेविंग एज अ टर्मिनल एक्सेप्टर, किसका, ऑफ प्रोटोन, एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई हो। डन, ओके। Like this. Is there anything which we need to have or which we need to mention over here? Agar NCERT ki baat ki jaye, so there are certain other lines as well. Jaise ki maine kaha ki jo cytochrome C hai, jiska C oxidase complex hai, uske bare mein thoda sa mention kar dete. Ye cytochrome C oxidase complex kin kin cheezon se bana hua hai? Jaise ki maine kaha. इसमें हमारे पास देर आर टू कॉपर सेंटर्स, एंड वी हैव साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री, दैट्स इट। और लास्ट और अल्टीमेट लाइन जो एनसीईआरटी के हम यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये लाइन कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल्ड टू ATP synthetase. जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5. तो अल्टीमेटली अगर मैं यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसपोर्टेशन हम देख ही रहे हैं, बट साथ ही साथ में आप इस चीज को भी तो रियलाइज कर रहे होंगे कि इधर से मैट्रिक्स से प्रोटॉन को यहां पे लाया जा रहा है. इस स्टेप पे भी लाया गया, इस स्टेप पे भी लाया गया, और इस स्टेप पे भी प्रोटॉन को मैट्रिक्स से पेरिमिटोकॉर्डल स्पेस में लाया गया. और हमारा जो पर्पस था प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को पेरिमिटोकॉर्डल स्पेस में इन कंपैरिजन टू मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है उसमें उसकी इंक्रीमेंट करना, वो पर्पस सॉल्व हो गया और ये सदाबहार चलता रहेगा. अब ये जो प्रोटॉन है, अब इस बारे में हम थोड़ी सी बात अगर नेक्स्ट स्लाइड पे करें तो जैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, तो याद कीजिए आप इस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कई अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं. ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी हो सकता है, इसी को आप कहते हैं कि भाई कैसी मोटिव फोर्स बन गई, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन गई. क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इसे इनर मेम्ब्रेन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, इस तरफ आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को कंसीडर कर लीजिए, और यहां पे आपके पास आ गई आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की. इसके बाद आपका शुरू हो गया क्या, ये सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है. तो हो क्या रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से कहां पे चला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चला, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं. इस तरफ ज्यादा हो गई और इस तरफ मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम हो गई. अब इसके अक्रॉस क्या डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, इवन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं, कोई गलत नहीं उसके अंदर. तो क्या डेवलप हुआ, एक पीएमएफ डेवलप हुआ. किसके अक्रॉस, और इसी पीएमएफ का फायदा उठाया जाएगा. ये शायद आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट में भी हमने इसी तरह से पीएमएफ की जनरेशन करवाई थी बाय यूटिलाइजिंग दी लाइट, और इस तरह से जो एटीपी बनाए थे हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान उसे फोटोफॉस्फोरेशन कहा. यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो टर्मिनली जो एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीजन करता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बना है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन कह सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं. तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, देखो प्रोटॉन डिफ्यूज करेगा, ये उसे डिफ्यूज करना ही है क्योंकि इक्विलिब्रियम सब चाहते हैं. तो अब डिफ्यूजन कहां से होगी, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी, बस इस डिफ्यूजन का ही फायदा उठाया जाएगा क्योंकि ये जो डिफ्यूजन होती है ये थ्रू स्पेशल पार्टिकल्स होती है, जिसको मैंने अभी शुरू शुरू में आपको बताया, स्पेशल एलिमेंट्री पार्टिकल्स. और इस डिफ्यूजन के दौरान ही क्या बनता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है.
ओके, जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो ये है अल्टीमेटली, हमने इतना यहाँ पे समझ लिया कि भाई एटीपी रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर से किस तरह से बनाए जाएंगे।